नमस्कार दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 5 और मैं निकल चुका हूँ घूमने। आज है 1 अक्टूबर, बहुत ही खास दिन। चैतन्य का है आज जन्मदिन, तो चलते हैं घूमने, फिर जा पहुँचते हैं घर पर। तो अब आ चुके हैं घूम के और मिलना आते हैं ते चेतु से। चेतु हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलते जो बोलते। किसको बोल रही है हैप्पी बर्थडे? ये क्या होता है हैप्पी बर्थडे बर्थडे? हैप्पी बर्थडे टू यू बॉस। हैप्पी बर्थडे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बर्थडे, मुझे ऐसे ही बोलना था। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बर्थडे बर्थडे, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। भैया का बर्थडे है ना आज, 1 साल का हो गया ना बुढ़ो। बुढ़ो हो गया, बुढ़ो 1 साल का हो गया ना। बच्चा है, बच्चा। बोल दे, मैं 5 साल की हूँ। बोल दे, जय करते सबको, जय पापा, करते। मैं 5 साल की हूँ। भैया गुड गुड गुड, बड़ा हो जाना। और करते, जय कुछ कुछ करते। कुछ बड़ा हो जाना यार। से बोलती है क्या, संबंध बनाती। तो अब रूम डेकोरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है और डेकोरेट भी थोड़ा हो चुका है और शाम के खाने के लिए बनने लग चुका है अब पनीर। और आज हमारे शेफ हैं भगत एंड सुन्नो। तो अब एक चूल्हा बाहर पे लगाया जा रहा है जिसमें बनेंगी पूरियां, पनीर और छोले। पनीर वाले से पनीर बनाते समझी महिला। वो बता रहा है, तक्षु बता रहा है, पानी डालो, गरगेट डालो। वो एकदम टू, ये देखो क्या नाम है, दिव्यांशी। देखो दोनों सिस्टर जैसी लग रही ना। अभी आएगा वो भी। तो कुछ इस तरह से डेकोरेशन हो चुका है। ये नया पोस्टर आया चैतन्य का। तो अब हो चुकी है रात, बच्चे लोग भी आ चुके हैं। अब करते हैं केक काटने की तैयारी। खाना भी यहाँ पे लगभग बन चुका है और अब कुछ ही देर में पूरियाँ भी तल ली जाएंगी। फिलहाल चैतन्य अपने ताऊ जी से मिल रहा है। तो अब आ चुके हैं सभी लोग, चैतन्य का केक भी यहाँ पे आ चुका है और अभी सबको पहले टीका लगा रही है निशा और उसके बाद चैतन्य काटेगा केक। Happy birthday to you. आप
ज्यादा मीठा लग रहा है। नहीं खाएगा ज्यादा तो तेजू को पकड़ता अरे इसको नहीं खाया यार होगी केक काटने और चैतन्य को केक खिलाने के बाद कुछ गेस्ट लाए हैं चैतन्य के लिए गिफ्ट, तो वो उन्हें दे रहे हैं गिफ्ट। चैतन्य काफी खुशी खुशी उन्हें पकड़ रहा है, खेल रहा है उनके साथ। तो अब दीवी भी चैतन्य को गिफ्ट देने जा रही है। तो इस सब के बाद अब हो चुकी है खाने की तैयारी, टाइम भी हो चुका है लगभग 9:30। तो अब यहाँ पर तेजू की एक और फ्रेंड गुन्नू आ चुकी है, जिसके साथ अभी तेजू बड़े ही गप्पें कर रही है। कैसा बना रखा खाना? और लाऊं पूरी लाऊं? तो बच्चों के बाद अब महिलाएं भी खाना शुरू कर रही हैं और कुछ गेस्ट खा के भी अब जा रहे हैं। पूरियां लगातार गर्मा गर्म बनती जा रही हैं और लोग गर्मा गर्म खाते जा रहे हैं। टाइम टाइम पे अलग अलग शेफ यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। खाना निपटने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा बच्चों का डांस प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है।
सारी रिमांड के बाद अब यहाँ परवा का भी डांस शुरू हो चुका है। ले जाओ पोसा या बंटी अरे यार तू ये पोसा बाय बाय गोवा बाय बाय हेलो हेलो गाइस बाय बाय हेलो चेतन का बर्थडे है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अब नहीं करता चेतन फोटो हाँ हाँ तेरे ही तो है आपका क्या वो आपका क्या वो दिया वो तह चैतन्य के गिफ्ट खोल पहला गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं फ्रॉम दीवी ने दे रखा है दीवी दीदी ने चैतन्य को ये देखो दो दो एक और आ रखा है इसपे नाम नहीं लिखा है ये हो जाए मुझे लग रहा है वो थैला और बैठो हम चैतू के लिए आ चुकी है गाड़ी एम्बुलेंस हाँ हाँ आपका ही है आपका ही है तो एम्बुलेंस मुझे याद आया चैतन्य को हुआ है काफी पैसा भी शगुन के रूप में टिक्के के रूप में जो उसमें से इसने 500 रुपए हमारे व्यापारी भाई भैसोड़ा जी की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है उसमें डोनेट कर दे हैं बर्थडे के अवसर पर तो आप लोग भी सहयोग कीजिए क्योंकि बच्ची के इलाज में काफी रुपया खर्च हो रहा है तो थोड़ी जमा पूंजी जमा हो पाएगी ना बच्चे का ही पैर एक और गेस्ट आया टीवी पे चाहे तो उसको रोड में चलाते हैं यहाँ टेबल पे नहीं चलाते हैं इतना बड़ा चॉकलेट कौन खाएगा निकालो तो उसको ये देखो इतने सारे देखा देखो ये चलाना है उसको चलाओ चलाओ चेतन ये भी वही लाइए
तेजू ने आज सारा घर सर पे उठा लिया है क्योंकि भैया के लिए इतने गिफ्ट आए हैं और मेरे लिए कुछ नहीं आया करके उसे समझा रहे हैं कि ये बर्थडे गिफ्ट है उसका, उसके बर्थडे पे उसके लिए आए थे, लेकिन नहीं जी उसको कुछ भी नहीं तो ये गाड़ी उसे चाहिए जो कि चैतन्य की भी फेवरेट लग रही है और वही तेजू को भी चाहिए। चाहे बोला रुक मैं वहां से आता हूँ खाना की रहेगा दोनों चलाओ दोनों शेयर करके चलाते हैं ना ये होता है शेयरिंग शेयर करके तो दोस्तों अभी लड़ाई झगड़ा रोज का काम है इनका और आज से तो अब कुछ ज़्यादा ही शुरू होगा और अब इसकी हमें आदत डाल लेनी है क्योंकि इससे हम बच नहीं सकते और इससे खुशी भी मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। टेक केयर।